बच्चों, कल हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था। आप सब ने खगोलीय पिंड की परिभाषा याद कर ली होगी कि खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं। रात के समय आसमान में चमकती सभी वस्तु खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी तारों के बारे में कि कुछ खगोलीय पिंड क्या है, आकार में बड़े हैं और गैसों के बने हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा है और खुद का भी प्रकाश है जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की तारामंडल की, ठीक है, और सप्तऋषि की। फिर ध्रुव तारे की मैंने बताया आपको कि ध्रुव तारा हमें प्राचीन काल में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। अब आपके कई बार पूछा जाता है कि ध्रुव तारा हमें कौन सी दिशा बताता है, उत्तर दिशा। उसके बाद में हमने थोड़ी सी बात की थी ग्रह की कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। अब आपको ग्रह और तारे में अंतर मालूम होना चाहिए कि भाई तारे किन्हें कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं। तो पहला जो अंतर बताओगे कि तारों के पास तो खुद का प्रकाश होता है और खुद की ही ऊष्मा होती है, जबकि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश भी नहीं होता है और खुद की ऊष्मा भी नहीं होती है। ग्रह है वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब आपने पांचवी क्लास में पढ़ा था कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आप सब जानते हो कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आपको यहां एक प्रश्न और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किन दो ग्रहों के बीच है, हमारी पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है। आप इसका उत्तर आप ये बताओगे कि शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है। कौन से ग्रह हैं? शुक्र और मंगल के बीच। अब ये सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यह पथ या रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी 8 ग्रह हैं वो आपके कौन से पथ में चक्कर काटते हैं? दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। अब आपको पूछ लेवे कि सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर है बुध। बुध ग्रह है वो 88 दिन में, 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिनों में? 88 दिन में, ठीक है।